नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल अपने 17 क्वेश्चन हो चुके थे 7.1 के। अब देखिए आप 18वां क्वेश्चन आपका ये है, साइन थीटा इंटू में 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा और बराबर आपके दिया गया है कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। आपको बेटा ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के बराबर है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा इंटू में 1 प्लस टेन थीटा प्लस में कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा। आपको इस लेफ्ट हैंड साइड के बराबर यह राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस में कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा। अब देखिए साइन थीटा इंटू में 1 प्लस टेन थीटा को मैंने चेंज किया साइन थीटा बटे में कोस थीटा प्लस में कोस थीटा इंटू में 1 प्लस कोट को चेंज किया मैंने कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब यहाँ सिर्फ मैंने चेंज किया बेटा टेन थीटा को, तो मैंने साइन थीटा बटे कोस थीटा में चेंज किया और कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा में चेंज किया। अब उसके बाद देखिएगा साइन थीटा तो सेम है यहाँ, और यहाँ मैं 1/1 मान लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? यहाँ मैंने 1/1 मान लिया कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? क्योंकि 1 को 1 से भाग देंगे अपना आना तो 1 ही है ना। अब यहाँ मैंने एलसीएम लिया और आपका एलसीएम आ गया कोस थीटा, 1 को कोस से भाग दिया आपका कोस आ गया और फिर मल्टीप्लाई भी 1 से किया तो कोस थीटा आ गया। तो यहाँ आ गया आपका कोस थीटा, साइन बीच में है प्लस का, कोस को कोस से भाग दिया कितना आता है 1 और 1 को साइन से गुणा किया कितना आ गया है साइन थीटा। उसके बाद साइन आपका प्लस का है कोस थीटा इंटू में, बेटा यहाँ आपका एलसीएम आता है साइन थीटा और साइन थीटा को 1 से भाग दिया तो आपका साइन थीटा आता है और साइन थीटा को 1 से गुणा किया तो यहाँ आ गया साइन थीटा। साइन बीच में आपका है प्लस, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग दिया 1, 1 को कोस से गुणा किया तो आ गया कोस थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, यहाँ मैंने क्या किया कोस आपका एलसीएम लिया और 1 को कोस से भाग दिया कोस थीटा, कोस थीटा को 1 से गुणा किया क्या आ गया कोस थीटा। साइन बेटा बीच में प्लस का है, कोस को कोस से भाग दिया कितना आया भाई 1 और 1 को साइन से गुणा किया कितना आ गया साइन थीटा। साइन बीच में है प्लस का, यहाँ कोस आपका कॉमन है, यहाँ साइन मैंने क्या लिया भाई साइन थीटा एलसीएम ले लिया तो ऊपर कितना आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इस टोटल में इसमें और इसमें बेटा इन दोनों में देखिएगा, यहाँ भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, बात तो एक ही है ना, ये यहाँ साइन प्लस कोस है, यहाँ कोस प्लस साइन है, एक ही बात होता है। ए प्लस बी किसके बराबर होता है, बी प्लस है ए के बराबर होता है। तो इन दोनों में सुनना ध्यान से, यहाँ मैंने साइन थीटा प्लस कोस थीटा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा कोस थीटा प्लस है साइन थीटा, मैंने क्या ले लिया भाई कॉमन ले लिया तो आपका आ गया साइन थीटा इंटू में, ये तो बाहर चला गया 1/2 कोस थीटा प्लस। अब फिर देखना बेटा यहां, या इसको मैं हटा दूं, यहां साइन थीटा और कोस थीटा तो बाहर चला गया, क्या बच गया कोस थीटा इंटू में 1/2 साइन थीटा।
बोलिए क्लियर है क्या? अब बेटा आप देखिएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा मैंने कॉमन लिया, ये बाहर चला गया, यहाँ एक तो साइन बच गया, इसकी जगह एक बचा ना, एक बटे में क्या है कोस थीटा, साइन बीच में प्लस का है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाहर चला गया और यहाँ बच गया कोस थीटा इंटू एक बटे में साइन थीटा। अब आप बेटा देखिएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा को एक से गुणा किया, क्या आ गया साइन थीटा बटे में कोस थीटा, साइन बेटा बीच में प्लस का है, कोस थीटा को एक से गुणा किया, क्या आ गया कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिएगा, ये तो यहाँ आपका कॉमन ही रहा है, यहाँ इसका फिर मैं एलसीएम लेता हूँ तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपका कॉमन है और यहाँ आपका एलसीएम आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम आ गया कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब देखिए कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो गया कैंसल, क्या बच गया साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया, आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन बीच में आपका बेटा प्लस है, यहाँ साइन से साइन क्या हो गया कैंसल, क्या बच गया भाई कोस थीटा, और कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया, आपका आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा तो आपका सेम चल ही रहा है कॉमन, अब सर्वसमिका लगाई मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, तो आपका आ गया इंटू एक बटे में कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब आप देखिएगा बेटा, इसको मैंने एक से गुणा किया तो आपका आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा और बटे में आपका क्या है कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब बेटा आप देखिएगा, यहाँ मैंने इसको एक से गुणा किया, बटे में ये चल रहा है, अब देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में क्या आ गया कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। इन दोनों को अलग कर लूँ मैं, बीच में साइन किसका है प्लस का, इधर क्या है साइन थीटा, इधर क्या है कोस थीटा, इन दोनों को मैंने अलग अलग किया तो इन दोनों के तो बटा में है ना ये, तो यहाँ भी क्या आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ भी क्या आ गया कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब बेटा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया एक बच गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया एक बच गया, अब आपका आ गया यहाँ एक बटे में कोस थीटा प्लस एक बटे में साइन थीटा। एक बटे में कोस क्या होता है आपका सेक थीटा, और एक बटे में साइन क्या होता है कोसेक थीटा, और बेटा यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड, तो मींस आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है साइन थीटा इंटू एक प्लस टेन थीटा प्लस में कोस थीटा इंटू एक प्लस कोट थीटा, और राइट हैंड साइड दिया गया है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लिया, और बेटा यहाँ टेन को मैंने किस में चेंज किया साइन थीटा बटे कोस थीटा में, और कोट को किस में चेंज किया कोस बटे में साइन। अब यहाँ बेटा इनका एलसीएम आ गया कोस थीटा, एलसीएम आ गया साइन थीटा। उसके बाद बेटा यहाँ देखिए, इसको सोल्व किया तो यहाँ कोस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया, इसको सोल्व किया तो यहाँ साइन थीटा प्लस कोस थीटा आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या ले लिया भाई कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आपका ये बच गया, फिर यहाँ आ गया साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ फिर मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक होता है, यहाँ एक रखा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू एक बाई कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो अब यहाँ इसके बटे में ये इन दोनों को मैंने क्या किया अलग किया, तो आपका एक ये आ गया और एक ये आ गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बच गया एक बटे में कोस थीटा, और यहाँ एक बटे में क्या बच गया साइन थीटा।
एक बटे में कोस, एक बटे में साइन क्या होता है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं साइड में हो जाता हूँ। इससे नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए बेटा आप, इससे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19वां प्रश्न देखिएगा। और 19वां प्रश्न आपका है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा, साइन बीच में प्लस का है, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा इंटू में साइन थीटा, और आगे आपका दिया गया है प्लस कोस क्यूब थीटा, प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर आपको प्रूव करना है सेक थीटा के। देखिए बेटा आपका 19वां प्रश्न है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर प्रूफ क्या करना है सेक थीटा। तो यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमारा लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस में कोस क्यूब थीटा। ये बेटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए और किसके इक्वल प्रूव करना है, इस राइट हैंड साइड के। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा प्लस में ये कोस क्यूब पहले लिख दूँ क्या, कोस क्यूब थीटा प्लस में टेन थीटा इंटू में साइन थीटा। एक ही बात है बेटा, यहाँ क्रम में तीसरे नंबर पे है, यहाँ क्रम में मैंने इसको किस क्रम में रख लिया, दूसरे में। एक ही बात है, अगर आपका एक प्लस दो प्लस तीन है, इसका भी तो सम कितना आता है, छः आता होगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक प्लस तीन प्लस दो, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा क्रम चेंज किया है, कोस क्यूब को मैं पहले लिख दिया और दो नंबर पे था उसको लास्ट में लिख दिया। इसके बाद देखना बेटा यहाँ इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कोस इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने यहाँ कोस थीटा क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो कोस तो बाहर चला गया, यहाँ क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और साइन बीच में क्या है प्लस का, कोस की पावर कितनी है तीन है, एक बाहर चला गया कितनी पावर रहेगी, दो पावर रहेगी। तो यहाँ मैंने क्या लिखा भाई, कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद साइन किसका है प्लस का। अब बेटा बताएं टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और इनटू में क्या है बेटा साइन थीटा। बेटा देखिएगा इनको आप है ना, जितना इनकी प्रैक्टिस जितनी होगी, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये वाली एक्सरसाइज इजी होगी। आप एक क्वेश्चन को कम से कम दो तीन चार बार निकाला करो, और एक बार आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर दी ना तो ये कभी नहीं भूलोगे, और ये वाली एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। अभी आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको लगता होगा कि भई ये टेन बराबर कई बार तो सर साइन बटा कोस कर रहे हैं, कई बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक रख रहे हैं, ये कैसे आया। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फार्मूले सामने ही दिखाई देने लग जाएंगे, आपको खुद को पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी सर्वसमिका का प्रयोग करना है, यहाँ कौन सी का करना है। इसलिए आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन को दो तीन चार बार निकालिएगा जब तक नहीं आए, और कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं आए तो वीडियो को फिर से रिपीट करना, और फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अब यहाँ देखिए टेन को तो मैंने साइन थीटा बटे कोस थीटा में चेंज किया और आपका सेम है। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, तो कोस थीटा को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है बेटा कितना आ गया, कोस थीटा बच गया यहाँ, इसका तो क्या है एक, और किसी संख्या को एक से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अब यहां आ गया साइन को साइन से किया, क्या आ गया बेटा साइन कितनी बार, दो बार, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा। अच्छा बेटा बटे में मैं एक लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी संख्या को एक से भाग करें और एक से गुणा करें तो कोई फर्क है नहीं पड़ता। अब यहाँ फिर मैंने एलसीएम लिया इनका, तो आपका एलसीएम आ गया कोस थीटा, इसको इससे भाग दिया क्या आया कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा, साइन बीच में प्लस का, कोस थीटा को कोस थीटा से भाग दिया एक आ गया, एक को साइन स्क्वायर से गुणा किया साइन स्क्वायर थीटा, बेटा फिर आपका आ गया कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। और आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ मैंने क्या रखा भाई, एक बटे में कोस थीटा, और बेटा एक बटे में कोस थीटा किसके इक्वल होता है सेक थीटा के, मीन्स यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अपने को यही प्रूव करना था। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करवाऊँ, इनमें ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, सेकंड में सिर्फ मैंने क्रम चेंज किया, क्रम का मतलब जो आपके तीसरे स्थान पे था उसको दूसरे स्थान पे लिख दिया, और दूसरे को किस पे लिख दिया भाई तीसरे स्थान पे। अब बेटा यहाँ इनमें आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कोस थीटा, कोस थीटा मैंने कॉमन लिया तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ टेन को चेंज किया मैंने साइन बटा कोस में, अब इनटू में साइन थीटा है। अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, एक को कोस थीटा से गुणा किया कोस थीटा आ गया, अब यहाँ साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ गया कोस थीटा। अब बेटा देखिएगा इसको इससे भाग दिया तो कोस आ गया, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा किया आपका आ गया कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में कोस को कोस से भाग दिया एक, एक को साइन स्क्वायर गुणा किया क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, तो यहाँ मैंने एक प्रू एक रखा बटे में कोस, और एक बटे में कोस थीटा किसके इक्वल होता है सेक थीटा के। इनकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट नहीं आएगा, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है। और बेटा ये भी ध्यान रखना परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, एक प्रश्न आता है 6 नंबर का इसमें से। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 मैं आपको करवा चुका हूँ, देखिएगा किस पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 को मैंने इकट्ठा लिया था, क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम था, राइट हैंड साइड अलग अलग प्रूव करना था, और दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में मैंने 17वां और 20वां क्वेश्चन इकट्ठा करवाया था, आपने अच्छे से क्लास लगाई होगी तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब देखिए मैं प्रश्न करवाता हूँ आपको 21वां, और अच्छा है भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए इधर ही लिख देता हूँ बेटा मैं, साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब की बार अभी जो एग्जाम हुए 10th क्लास के ये वाला प्रश्न आया था भाई, और इम्पोर्टेंट है, जो अच्छे प्रश्न होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको ये प्रूव करना है साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर प्लस में कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर बराबर प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। वही बात बेटा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और अपना लेफ्ट हैंड साइड है साइन ए प्लस कोसेक ए की होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए की होल स्क्वायर। अब आप जानते हो बेटा ए प्लस बी की होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस टू
ए बी प्लस में बी स्केयर, ये वाला फार्मूला आप जानते हो, ए प्लस बी की होल स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी की स्केयर। अब बेटा जानते हो कि ए यहाँ साइन ए है और बी क्या है, कोसेक ए है, तो यहाँ मैंने फार्मूला लगाया ए प्लस बी की होल स्केयर, मीन्स आपका आ गया साइन स्केयर ए प्लस टू ए बी, ये तो आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है, टू इंटू साइन ए इंटू में कोसेक ए प्लस में बी की स्केयर, बी की स्केयर का मतलब क्या आ गया, कोसेक ए, कोसेक स्केयर है ए। अब बोलिएगा यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ मैंने ए प्लस बी की होल स्केयर वाला फार्मूला लगाया, ए की स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी की स्केयर, साइन बीच में है बेटा प्लस का, अब यहाँ भी ए प्लस बी की होल स्केयर लगेगा, तो यहाँ ऊपर वाला ए है और दूसरा पहले वाला आपका ए है, दूसरे वाला क्या है, बी है, तो आपका यहाँ भी आ गया कोस स्केयर ए प्लस टू इंटू ए कितना है बेटा, कोस ए, और बी कितना है, सेक ए, और प्लस में बी की स्केयर का मतलब क्या आ गया, सेक स्केयर ए। यहाँ सिर्फ बेटा मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ इसकी होल पावर टू है, तो ए प्लस बी की होल स्केयर वाला फार्मूला लगाया है। अब आप बेटा देखिएगा साइन स्केयर ए प्लस टू इंटू साइन ए, अब कोसेक ए को मैंने चेंज किया, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, तो इसको मैंने कितना लिखा, एक बटे में साइन ए प्लस में कोसेक स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए प्लस टू इंटू कोस ए इंटू सेक ए क्या होता है, वन बाई कोस ए, और प्लस में सेक स्केयर ए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, कोसेक को वन बाई साइन में चेंज किया और सेक को वन बाई कोस में किया, क्यों, क्योंकि कोस ए कैंसिल कर दिया, साइन ए से साइन ए कैंसिल कर दिया। अब बेटा आपका देखना क्या बच गया, साइन स्केयर ए, इसको लास्ट में लिखेंगे, दो दो एकम दो बच गया, प्लस कोसेक स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए, इसको लास्ट में लिखेंगे, प्लस सेक स्केयर ए, और प्लस में दो एकम दो, दो एकम दो, दो और दो कितना हो गया बेटा, छः। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा साइन स्केयर ए कोस स्केयर ए, बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है, एक, ये भी थोड़ा सा आपका सर्वसमिका का प्रयोग हुआ, तो क्या बच गया, कोसेक स्केयर ए प्लस सेक स्केयर ए, और चार तो पहले ही था, इन दोनों का मान भी एक हो गया, चार और एक कितना आ गया, पाँच। अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए कोसेक स्केयर ए का वाला सर्वसमिका क्या होती है, एक प्लस कोट स्केयर ए, और सेक स्केयर किसके इक्वल होता है, एक प्लस टेन स्केयर ए, और प्लस का कितना चल रहा है, फाइव चल रहा है, फाइव और एक सिक्स, सिक्स और एक सेवन, तो आपका आ गया, क्या प्रूव करना था, सेवन प्लस टेन स्केयर ए प्लस में कोट स्केयर ए, और यही आपको क्या करना था बेटा, प्रूफ, मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इनके स्टेप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए प्लस बी की होल स्केयर का फार्मूला लगाया, आपको रिजल्ट ये प्राप्त हुआ, फिर कोसेक ए किसके बराबर रखा मैंने, एक बटा साइन के, साइन से साइन कैंसिल किया, और सेक किसके बराबर रखा, एक बटे कोस के, कोस से कोस कैंसिल किया, दो एकम दो, दो एकम दो, दो और दो कितना हो गया, चार हो गया, फिर चार बेटा मैंने लास्ट में लिख दिया, आपका रिजल्ट लास्ट में बचा साइन स्केयर ए प्लस कोसेक स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए प्लस सेक स्केयर ए। अब आप जानते हो कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है, तो चार और एक कितना हो गया, पाँच, तो आपका बच गया कोसेक स्केयर ए प्लस
sec square है। अब आप जानते हो कि cosec square किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cot square, और sec square किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan square। तो 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 से पहले आप cot square लिखो, tan square लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में जो बच गया वही आपका क्या है, राइट हैंड साइड। मीन्स बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। बेटा इनकी आप लगातार प्रैक्टिस करना, डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डालना, और अपना काम अपना पर्सनल सेंड कर दिया करो, ग्रुप आपको क्लास ग्रुप में भेज दी जाती है, और सभी बच्चे रेगुलर लगाया करो। थैंक यू बेटा, और कल करेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है आपको तो आप मेरे को बताना, पर्सनली बता देना, चाहे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू बेटा।